بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقه الموت سب کے پہلے عرض ہے میرے بیٹا اللہ کو پیارا تھی گئے ناظرین इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इस मौलवी साहब ने अपने बेटे के नमाज जनाजा पे आए हुए लोगों को किस तरह हैरानी में मुब्तला कर दिया। डंके की चोट पर कह दिया कि कुलखानी जुमरात सातवां चालीसवां ये सब चीजें नाजायज हैं। इस मौलवी साहब ने बाद में अपने बेटे का जनाजा पढ़ाया और कहा कि मेरे बेटे ने अपनी जिंदगी में शिर को कुफर से तौबा कर ली थी। मौलाना ने नमाज जनाजा का तरीका भी बताया। मौलाना साहब की ये सब बातें आपको अच्छी लगें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। औलाद का दुख वालिदैन जान दें अगर न हो तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रो रो के अपने अखी न बना बना मेरे पैगंबर मिठे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 महीने ना बच्चा चाह के हजरत इब्राहिम दी जान करनी ना बेटा आप रो देते अल ऐन कदमा वल कल्ब यहजन वला यकूल मा यख्तो रब्बी। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी रजा दे खिलाफ बंदे कने कलमे ना निकलन ते अल्लाह दी मर्जी दे काम में हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दो चीज़ा हो जन दोस्तों। हुकूकुल्लाह दे अंदर मेरे सामने ही मेरे बच्चे ने शिर्क कने कुफर कने गुनाह कबीरा कने तौबा की थी है और उन्हें बाद हुकूकुल इबाद सारे दोस्त जितना मौजूद हो खासकर के ड्राइवरी शोबे दे नाल हा उन सारे उन्हें दोस्त आए हैं अगर जुबानन कलामन दामे तरमे सुखने अगर कोई कमी पेशी थी है तो अल्लाह की रजा वास्ते माफ कर दे सो जरूर। अगर लेन देन दे कहीं चीजा नेमने कहीं कने घिनने ऐसा मौजूद है बोरा सा और इंशाल्लाह उन्हें पूरे पैसे रकम हर चीज जी में है वो ऐसा देवन वास्ते तैयार है इंशाल्लाह सा कने मुतालबा कर सकते हो। दूजा अर्ज है कि इस्लाम दीन शरीयत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने मुकरर शुदा आंदा पे कि मुसलमान दा मेयार अल्लाह पाक ने शान बनाई है। ईसाई मर्दन या हिंदू मर्दन देखो हिंदू जला लेने लेकिन मुसलमान दा एजाज है तू गुसल दो हुकूम बेहतरीन नवे कपड़े पवाओ उना जनाजा कट्ठे थी के पढ़ो कुवन के दफन करो और शरीयत दे मुताबिक असा मुसलमान है शरीयत दे मुताबिक ही जरा कुछ समझते हैं उदे उते अमल है। जनाजा जनाजे दे बाद कब्रिस्तान दे अंदर तदफीन शरीयत दे मुताबिक कच्चे सिली दे नाल और उन्हें बाद चूंकि एक रिवायत इनकी इजाजत देनी है कबर दे उते खड़ के दुआ मंगन दी इंशाल्लाह उतो दुआ मंगी वैसी और उन्हें बाद शरीयत दे अंदर कोई मुकर्रर नहीं बहाण दे भी कोई नहीं जरा असा पढ़ाए हैं भी तड्डी खात के लाजमी बाहर वंजने शरीयत दे अंदर ये नहीं और ना कुल है ना सतिया है ना चलिया है ना इकिया है ना जुमराता है और अल्हम्दुलिल्लाह इन उते पूरा साडा अमल दरामद हो सी ए ना हो सी। और फिर अमूमन ये है बाद उलमा दे नजदीक अक्सर नहीं बाद उलमा दे नजदीक ताजिया दे उते हाथ उठा के इजाजत है लेकिन अक्सर मुहक्किकीन दे नजदीक उंदी इजाजत भी कोई नहीं और जेरे जनाजे में हजरात मौजूद हैं इन्हें दी वला ताजिया दे उते आवन दी भी जरूरत नहीं भी जेरे एक दफा जनाजा पढ़ की दई हो ताजिया ते मुसलमान दा यो इकराम है और उन्हें बाद सिर्फ मिल के असा दुआ ही कर सकते हैं और विंगार दे नाल मैं अक्सर आदा रहना जुम्मे दे उते भी कि विंगार दे नाल कहीं दे मुर्दे नहीं बख्शी दे मैं आप पढ़ा इंदे भिरा पढ़न इंदी अम्मा इंदे दोस्त इंदे भिरा इंदे रिश्तेदार ताल्लुकदार कल्ले बह के पढ़न जितना इसाले सवाब है उनकी शरीयत ने इजाजत दीती है वो कल्ले बह के इनफरादी तौर दे उते इजतमा कोई नहीं इकट्ठ कोई नहीं तो ये गाली जनाजा जनाजे दे अंदर सब तो पहले नमाज जनाजा चार तकबीरात सना वास्ते अल्लाह तबारक व तआला दे दरूद वास्ते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे और दुआ वास्ते हाजिर मैयत दे पिछो इमाम दे अल्लाह अकबर आके हाथ बदले मड़े सुभानक अल्लाह उबो जरा नमाज पढ़ते हैं उन्हें बाद अल्लाह अकबर आखरे बगैर हाथ उठाए दरूद शरीफ
दरूद इब्राहिमी सारे दरूद कने अफजल है जरा नमाज पढ़ते हैं उन्हें बाद अल्लाह अकबर आह के और दुआ वास्ते हाजिर है मैय दे अल्लाहुम्मा अग़फिर लहयना व मय्यतना व शाहिदना व गाइबना व सगीरना व कबीरना व ज़ाकरना व उनसाना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फहय्यिल इस्लाम व मन तवफ्फैतहु मिन्ना फतवफ्फौ अलल ईमान। बिलफर्द कहीं कोई नहीं आती तो नमाज वाली दुआ पढ़ गिनो वो भी नहीं आती तो अल्लाहुम्मा अग़फिर अल्लाहुम्मा अग़फिर अल्लाहुम्मा अग़फिर अल्लाह पाक ने बंदा बख्शे की दुआ मंगे। लेकिन एक गल ज़हन में रखे सो जरा जनाजा है इंदे अंदर चार तकबीरात इमाम ही पढ़ने मुक्तदीय भी पढ़ने अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अगर कहीं नहीं पढ़िया तो उन्हें जनाजा नहीं थिया।